यू गिव द फुल फी नाउ, आई विल जस्ट, अगर आप लोग एडवांस पेमेंट ऑफ 4,999 करेंगे तो भी दिस स्मॉल ट्रॉफी यू कैन गेट इट. ठीक है, वॉट इज इट? इट इज अ 10 week प्रोग्राम एंड इट इज बेस्ड ऑन 3 pillars. वन इज रिकनेक्ट विद अल्लाह सुबहान तआला. आई एम टेलिंग यू रिकनेक्शन विद अल्लाह सुबहान तआला बिकॉज वी ऑल फील दैट वी आर कनेक्टेड टू अल्लाह सुबहान तआला. बट हाउ मेनी ऑफ यू अग्री इवन कि हमारा जो रिकनेक्शन विद अल्लाह सुबहान तआला या कनेक्शन विद अल्लाह सुबहान तआला का पार्ट आया था, उसके बाद यू एक्चुअली में रियलाइज्ड दैट वी वेर नॉट दैट कनेक्टेड टू अल्लाह सुबहान तआला जैसे हमें कनेक्टेड होना चाहिए था. डू यू ऑल अग्री विद मी? सो दिस इज अबाउट रिकनेक्शन विद अल्लाह सुबहान तआला. तो आई विल टेक यू ऑन अ जर्नी, पूरा लंबा जर्नी पे हम लोग जाएंगे, वेर आई विल लाइक द फर्स्ट पिलर विल बी रिकनेक्शन टू अल्लाह सुबहान तआला. एंड इंशाल्लाह तआला व्हाटएवर आई विल बी स्पीकिंग, आई विल स्पीकिंग इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना इंशाल्लाह तआला. तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पिलर इज रिकनेक्शन. इवन इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट हीलिंग एंड एम्पावरिंग, इवन इफ आई एम स्पीकिंग टू रिलेशनशिप्स, आई विल टेक यू बैक टू रिकनेक्शन विद अल्लाह सुबहान. एंड देन द सेकेंड पिलर इज हीलिंग एंड एम्पावरिंग योर सेल्फ. तो हाउ यू विल हील योर सेल्फ एंड एम्पावर योर सेल्फ, एंड देन वेन यू हील योर सेल्फ, यू एम्पावर योर सेल्फ, इमीडिएटली यू विल रेस्टोर ऑल योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स. सो दीज आर द 3 pillars. एंड हाउ आई विल बी टेकिंग दिस इज इट्स अ 10 week कोर्स. दोज हु आर ऑलरेडी लाइक रजिस्टर्ड एंड दोज हु विल बी रजिस्टरिंग नो दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 28 टू डिसम्बर 30 एवरी मंडे इंशाल्लाह ताला. एवरी मंडे इट विल बी टेकन फ्रॉम, आई एम, मेरा इंटेंशन 10 o'clock से है, बट इफ इट वर्क आई विल स्टार्ट फ्रॉम 9 o'clock. दैट 10 o'clock से, टेन टेन एवरी मंडे 10 o'clock से, हाँ 9 AM टू 10, यस 10 o'clock से 10 AM. सो मार्क योर कैलेंडर्स एंड बुक योर सेल्फ फॉर एवरी मंडे 28 अक्टूबर से डिसम्बर 30 तक 10 sessions होंगे, मंडे मंडे मंडे. आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? देन जिसका मिस हो गया, दे विल गेट द रिकॉर्डिंग्स. एंड जिसका मिस हो गया, वी विल लाइक गिव यू ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड वॉट एवर जो है एक्सरसाइजेस होंगे, जो कुछ भी होगा, तो इट विल बी लाइक यू कैन डू इट एंड वी विल हेल्प यू. डोंट वरी इफ यू मिस एनी सेशन, यू विल बी गिवन रिकॉर्डिंग्स एंड यू विल बी गिवन ऑल द सपोर्ट दैट यू नीड इंशाल्लाह ताला. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माई डियर, ट्यूजडे आई कांट कीप बिकॉज आई एम बिजी. मैं आपको बता रही हूँ कि डिसम्बर तक मेरा स्केड्यूल फुल है एंड मंडे इज द ओनली डे वेन आई एम फ्री. सो week 1 विल बी डीपन द कनेक्शन विद अल्लाह सुबहान तआला. हम अल्लाह सुबहान तआला से कैसे अपना जो है रिलेशनशिप डीप कर सकते हैं अल्लाह तआला से एकदम, और हर चीज हम लेकर लेकर आएंगे उसमें, अल्लाह से तवक्कल कैसा होना है, पूरा पूरा अल्लाह के ऊपर रिलाई कैसा होना है, कैसा गाइडेंस के साथ साथ हम स्ट्रेंथ्स लेंगे, प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ्स लेंगे हम अपना तकवा को इंक्रीज करने के लिए, अपने डेली एक्शंस एंड थॉट्स में वो तकवा को पूरी चीज अंदर इम्बाइब कर लेने के लिए, फिर अपने हार्ट को, सोल को अल्लाह सुबहान तआला के विजडम के साथ कैसे अलाइन करना है, और इसको अलाइन करते करते अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्कल को हम बहुत डीपली लेंगे, विच विल फाइनली लीड टू इंशाल्लाह ताला इनर कंटेंटमेंट एंड पीस. वी विल बी फोकसिंग दिस ऑन जो है फर्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला. देन ऑन सेकेंड वीक वी विल हैव डेवलप्ड दैट करेज टू फेस चैलेंजेस. इस्लामिक पर्सपेक्टिव में औरतों के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वुमेन कैसे थे, हम इसमें पूरे इस्लामिक वुमेन, सहाबियात, अंबिया की औरतें, वो सारी एग्जाम्पल्स देखते हुए करेज कैसा डेवलप करना है ये देखेंगे. हाउ टू डेवलप इमोशनल रेजिलियंस और यूजिंग इस्लामिक टूल्स, सारी चीजें हम लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे. फिर उसमें सेल्फ डाउट है, इनसेक्योरिटी है, जो जो भी आपके करेज को तोड़ रही थी, इनर स्ट्रेंथ को कैसे ट्रस्ट करना है, सब्र को कैसे अपने अंदर डालना है एंड सब्र का सही कॉन्सेप्ट लेते हुए तवक्कल को कैसे वो करना है, पूरे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हम इन अंदर की चैलेंजेस और बाहर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो सारा करेज अपने अंदर हम क्या करेंगे,
स्टफ करते ना टेडी बेयर को, वैसा कर लेंगे। इसके अंदर हम जो है, जो बाउंड्रीज आप लोग बोल रहे सेट करना मुश्किल है, तो उसके लिए करेज कैसा लेकर आएंगे, एंड पूरे एक्शन प्लान्स एंड विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी वी विल वर्क ऑन बेसिकली करेज ऑन वीक टू इंशाल्लाह ताला। देन वीक थ्री, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अबेंडेंस एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। हमको क्लैरिटी तो मिल गई, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम देख लिए, अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव वेल्थ और फाइनेंशियल अबेंडेंस अल्लाह की ब्लेसिंग कैसे है, हमारी पूरे लिमिटिंग बिलीव्स को, मिसकंसेप्शंस को, सबको तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे हम एक पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड का वो रख सकते हैं, माइंडसेट रख सकते हैं, और ये वेल्थ को हम कैसे अपना एक टूल बना सकते हैं एक बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन आखिरत के लिए। फिर फाइनेंशियल गोल्स, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के अंडर हम कैसे इसको सेट कर सकते हैं, और हलाल अर्निंग और स्पेंडिंग एंड गेनिंग, ये सारी चीजों के साथ साथ हम बरकत कैसा लेकर आ सकते हैं अपने माल में, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड एक बैलेंस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स मटेरियल वेल्थ, और जो हमको हरीस होना, ये सारी चीजें कैसा इस्लाम की लाइफ में कवर होते हैं वो सब हम देखेंगे इंशाल्लाह। देन वीक फोर में वी विल रिकनेक्ट विद जॉय एंड प्लेफुलनेस। जॉय एंड प्लेफुलनेस पे हम कितना भूल गए, हम अपनी जॉय को भूल गए, हम अपनी खुशी को भूल गए, हम अपनी वी फॉरगॉट। एंड स्पेशली बीइंग मुस्लिम वुमेन, इस्लाम मतलब खुश नहीं होना, इस्लाम मतलब स्माइल करना भी भूल गए, इस्लाम मतलब खुश होना भी भूल गए। ये सारी चीजों को विदाउट गिल्ट अपने अंदर कैसे हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे इमोशनल हैवीनेस और जो स्ट्रेस अंदर है उसको निकाल के हम एक जॉय और सेल्फ लव हमारे अंदर लेकर आ सकते हैं। छोटी छोटी सुन्नतें जैसे स्माइलिंग है, काइंडनेस है, डजंट इट ब्रिंग जॉय। वो गिल्ट और शेम को हम निकाल कर फेंक देंगे जो हमको जॉय से और हैप्पीनेस से दूर रख दिया। एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम वुमेन कैसी होगी विद मोमेंट्स ऑफ जॉय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैप्पीनेस के साथ ब्रिंगिंग द मोमेंट्स ऑफ जॉय, वो हम इंशाल्लाह ताला वीक फोर में करेंगे। वीक फाइव में इंशाल्लाह ताला सेल्फ लव एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस। आई थिंक ये स्लाइड में थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई। तो वीक फाइव में वी विल वर्क ऑन सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। जो सालों 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 से अंदर था कि मेरे अंदर एक भर गया था, लोग मुझे वो किए, लोग मुझे परेशान किए, लोग मुझे मेरी जिंदगी तबाह कर दिए लोग, एंड दैट फॉरगिवनेस वी हैवंट बीन एबल टू डू दैट। सो वी विल कल्टिवेट खुद को प्यार करने, लोग जो किए थे मैं खुद के साथ क्या की थी, तो वी विल डू दैट एंड वी विल प्रैक्टिस फॉरगिवनेस इन वीक फाइव। इन वीक सिक्स वी विल हैव अ क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर। पूरा फ्यूचर के ऊपर हम लोग फ्यूचर माइंडसेट, फेथ और वैल्यूज को लेकर, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लेकर, अपने पैशन, अपने स्ट्रेंथ, पूरे बहुत सारे वर्कशीट्स करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर उसमें पूरा इस्लामिक गाइडेंस के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्लियर अचीवेबल गोल्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ हम कैसे करते हैं पूरे विजन के ऊपर करेंगे, फिर वो विजन के साथ पूरा स्केच डालने के बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना है, और कैसे प्लान करना है टू परस्यू आवर ड्रीम्स, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे एक्शनेबल स्टेप्स में, एंड फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह ताला एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ इंशाल्लाह हम निकलेंगे। देन वीक सेवन वी विल एक्सप्लोर डिजायर्स एंड इंटीमेसी। हम लोग ये बीइंग अ मदर वी फॉरगॉट इंटीमेसी, बीइंग अ मदर वी फॉरगॉट बीइंग अ वाइफ। तो इतना हम कभी गोल्स के पीछे भागे, कभी फैमिली के पीछे भागे, कभी जो है इसके पीछे भागे, कभी इसके पीछे भागे, हम कभी देखे ही नहीं कि इंटीमेसी, बाज लोगों की लाइफ से तो इंटीमेसी जीरो हो गई। तो बिल्कुल जो जीरो हो गई, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम डिजायर्स एंड इंटीमेसी विद इन मैरिज क्या है देखेंगे। इंटीमेसी एंड सेक्स इज समथिंग विच इज अ नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग, एंड टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप इंटीमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ कल्चरल टैबूज है,
सेक्स को लेकर, और सेक्स में बहुत सारी चीजें होंगी कल्चरल टैबूज में, तो वो सारी चीजें हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से देखेंगे। एक इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन अपने स्पाउस के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं, आई विल हैव अ वेरी इंटीमेट टॉक विथ यू हियर। कैसे हम जो है इंटिमेसी से स्पिरिचुअल इमोशनल बैलेंस आएगा, इंटिमेसी के बारे में हमको दीन क्या सिखाती है, इंटिमेसी के बारे में शेम और गिल्ट कैसा हमारे ऊपर थॉप दिया गया है, ये सारी चीजों को हम निकालेंगे और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हाउ इट कैन ब्रिंग लाइक 360 डिग्री, अगर इसको हम सही कर लेंगे तो हमारी लाइफ और रिलेशनशिप कैसे चेंज होगी। देन वीक 8 में हम लोग पेरेंटल वुंड्स को हील करने की कोशिश करेंगे। कितने दफा बचपन में कितनी चीजें हुई तो जिसकी वजह से हम अब तक रोते हैं, अब तक चीखते हैं, अब तक हमारे मतलब, तो बचपन में जो अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे जिससे हम बाहर नहीं आए, कभी कभी हमको मालूम भी नहीं रहता कि बचपन में हमारे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से आज हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ उसको हम जो है डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। इस्लामिक प्रिंसिपल से पेरेंट्स की क्या जगह है, और वो जो इमोशनल पेन हमारा चाइल्डहुड से रिलेटेड है उससे हम अपने आप को कैसे हटा सकते हैं। एक तरफ अल्लाह सुबहाना तआला बोलते हैं पेरेंट्स को उफ भी नहीं बोलना, दूसरी तरफ हम देखें तो पेरेंट्स तो हमारी जिंदगी के धज्जियां उड़ा दिए, तो उसको बैलेंस कैसे करना है, उससे निकल के अपने आपको कैसे हील करना है। We'll explore some techniques, some emotional healing, releasing past traumas, getting out of negative cycles and negative patterns, जिसकी root जो है parental wounds में थी। We'll try to have healthy boundaries and communications with parents, and basically जैसे last वाला spouse के ऊपर पूरा था, यहाँ पर parents के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम लोग focus करेंगे and childhood wounds के ऊपर हम focus करेंगे इंशाल्लाह ताला। वीक 9 विल बी टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज एंड टू रिसीव। अंडरस्टैंड बाउंड्रीज कैसे सेट करना है, अंडरस्टैंड करेंगे कि इस्लामिक बाउंड्रीज क्या है, अंडरस्टैंड करेंगे कि बाउंड्रीज को इम्प्रूव कैसे करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, फिर बाउंड्रीज सेट करने में जो गिल्ट एंड फियर होता है उससे कैसे डील करना है, कॉन्फिडेंस के साथ बाउंड्रीज को कैसे अपने सेट करके कम्युनिकेट करना है। हम पहले एक्सप्लोर करेंगे कि बाउंड्रीज कहाँ कहाँ सेट करना है, देन बाउंड्री सेट करते हुए रिसीव कैसे करना है विदाउट हेजिटेशन, एंड कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ वर्दीनेस टू एक्सेप्ट व्हाट इज गुड एंड बेनिफिशियल टू यू। वी विल डिस्कस दिस इन वीक 9 एंड वीक 10, अलाइनमेंट टू बिकम एन एनलाइटेंड मुस्लिम। टुगेदर एवरीथिंग जितना हम पूरा लर्न किए उसको एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक्शंस थॉट्स एंड बिलीव्स के साथ साथ एक एनलाइटेंड मुस्लिमा कैसे जो है अपनी जिंदगी गुजारती है वो हम लेंगे अल्लाह के साथ, अपने लोगों के साथ। पूरे 9 वीक्स को हम एक जगह डालेंगे, डाल के विद क्लैरिटी विल कम आउट एज एनलाइटेंड मुस्लिमा। डज इट लुक एक्साइटिंग, डज इट लुक एक्साइटिंग, चले तो नहीं गए सब लोग, हाउ एक्साइटिंग, हाउ मच एक्साइटिंग डज इट लुक, वेरी वेरी एक्साइटिंग। आर यू रेडी फॉर दिस एक्साइटिंग जर्नी नाउ? नाउ एनलाइटेंड मुस्लिमा, ये एक ऐसा पूरा 10 वीक्स का कोर्स है जिसमें इमीडिएट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन जस्ट 10 वीक्स इंशाल्लाह ताला। आई टुक इट इयर्स माय डियर सिस्टर्स, आई डोंट वांट यू टू टेक इयर्स टू डू दिस, एंड मैं इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ, और जहां पर भी होता था इस्लामिक प्रिंसिपल्स नहीं मिलते थे, ऐसा लगता था कि मैं ये करूंगी तो खराब मुस्लिमा हो जाऊंगी, मैं ये करूंगी तो अल्लाह, लाइक विद अ लॉट ऑफ रिसर्च आई ब्रॉट दिस एंड दिस विल ब्रिंग एन इमीडिएट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 वीक्स इंशाल्लाह ताला। डू यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ जो आप 30, 40, 50 साल से गुजार रहे थे, और डू यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन 10 वीक्स? डू यू वॉन्ट टू ओवरकम रिलेशनशिप स्ट्रगल्स एंड गेन क्लैरिटी, और डू यू स्टिल वॉन्ट टू लिव इन दोज पूरे गिच्छियों वाले रिलेशनशिप्स? Do you want to achieve a happiness and contentment life from now? Yeah, do you want to be in cage again, like you have been caged for 20, 30, 40 years? Do you want to heal your deep emotional wounds, or do you want to stay that for another 10, 20, 30 years? Do you want to, like, ये पूरे
प्रूवन टेक्निक्स है जो भी मैं इसमें लूंगी इंशाल्लाह ताला विद इस्लामिक विजडम एंड मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इस्लामिक विजडम आपको चाहिए या नहीं चाहिए, डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी विल फॉर्म अ सपोर्टिव कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड मुस्लिम वुमेन। डिलेइंग प्रोग्रेस इज इक्वल टू डिलेइंग पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। सो डोंट डिले दिस एंड अपने लिए चूज करिए आज पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। एंड द प्राइस इज 50,000 इंडियन रुपीज इंशाल्लाह ताला। बट स्टॉप, आप लोग 4 दिन मेरे साथ थे तो मैं 50,000 में तो नहीं देने वाली हूँ उसके लिए, ठीक है? या वीक में एक ही दिन है क्लास, मंडे मंडे एवरी मंडे, लेकिन उसके साथ कुछ थोड़े चीजें होंगे, मैं अभी बताती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू फॉर 50,000, बट यू विल सी ज्वाइनिंग योर ग्रुप विथ 50,000 इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। बट आई एम नॉट गिविंग इट फॉर 50,000 रुपीज। वेट, सबसे पहले इसके साथ दोज हु ज्वाइन इट नाउ विल गेट एक मुस्लिमा की मोहब्बत फ्री। एक मुस्लिमा की मोहब्बत आप में से बहुत सारे लोग किए हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं किए हुए हैं, ये कोर्स डिफरेंट कोर्स है एंड आई एम गिविंग यू फ्री अलॉन्ग विथ एनलाइटेंड मुस्लिमा। एक मुस्लिमा की मोहब्बत में फाउंडेशंस ऑफ लव इन इस्लाम, इंटीमेसी एंड मैरिटल बॉन्ड्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जांपल्स को लेके बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स एक मुस्लिमा की मोहब्बत में मैं कवर की थी। इवन ओरल सेक्स, इवन जो है मास्टरबेशन, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं एक मुस्लिमा की मोहब्बत में जो है डिस्कस की थी। लव को, रोमांस को, इंटीमेसी को, बैलेंस को, सॉरी मैरिज को, सबके बीच में बैलेंस कैसा लेकर आना है एक मुस्लिमा की मोहब्बत में, मैं बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन की। एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री विच इज वर्थ 9,999। और अभी तो मैं कोर्स अवेलेबल भी नहीं कर रही हूँ बाहर, पीपल आर सेंडिंग मी मैसेजेस, बट आई एम गोइंग टू मेक यू अवेलेबल ओनली दोज हु रजिस्टर फॉर एनलाइटेंड मुस्लिम। द निकाह और तलाक के अहकाम, इट्स नॉट अहलामात, इट्स अहकाम, इस्लामिक रूलिंग्स ऑन निकाह। एंड क्योंकि बहुत सारे लोग दोज हु आर इनटू एनलाइटेंड मुस्लिम और दोज आर अवेकन मुस्लिम, उनको निकाह और तलाक के इश्यूज से मालूम नहीं रहते, तो इस्लामिक उसमें पर्सपेक्टिव से निकाह और तलाक की पूरी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। दिस कोर्स इज ऑल्सो फ्री फॉर यू एंड दिस इज अगेन वर्थ 6,999 रुपीज। एंड देन फाइजा स्ट्राइब, आज मैं आप लोगों को बोली थी आई विल टेल यू अबाउट फाइजा स्ट्राइब। तो इसके अंदर वी हैव वीकली सेशंस एंड यू हैव सीन माय ट्राइब हाउ दे आर। तो मंथली वर्कशीट्स इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ के लिए रखते हैं, मंथली थीम्स इसमें रहते, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रहते, कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रेगुलर चेक-इन्स रहते, गाइडेड एक्टिविटीज रहते। एंड डू यू नो हाउ मेनी सेशंस फाइजा स्ट्राइब के? 12 सेशंस। एक्चुअली इट विल बी फ्रॉम अक्टूबर टू अक्टूबर, तो 1 ईयर की ये मेंबरशिप है फाइजा स्ट्राइब की। आई हैव एन इंटेंशन टू गिव यू 12 सेशंस, बट आई प्रॉमिस टू गिव यू 10 सेशंस। अगर मैं कुछ खराब रही या ट्रैवल करी, तो बीइंग इन फाइजा स्ट्राइब माय इंटेंशन इज टू गिव यू 12 सेशंस, बट अक्टूबर इट विल स्टार्ट एंड यू विल बी विथ मी टिल नेक्स्ट ईयर अक्टूबर। यानी एनलाइटेंड मुस्लिमा खत्म होने के बाद भी यू विल हैव अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग विथ माय ट्राइब इफ यू रजिस्टर नाउ फॉर एनलाइटेंड मुस्लिमा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? देन यू विल हैव अ कम्युनिटी एंड यू विल हैव पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आप सोचिए कि 1 साल तक ऐसे सबके साथ रहने के बाद इट विल बिकम टोटली परमानेंट फॉर यू। देन फाइजा स्ट्राइब पीपल, ये जो है ना, पीपल हैव ऑलरेडी पेड, द ट्राइब इज ऑलरेडी देयर, दे हैव पेड 11,999 टू बी इन माय ट्राइब व्हिच आई विल गिव यू टोटली फ्री फॉर जॉइनिंग एनलाइटेंड मुस्लिम। एंड यू विल हैव अ सोल सिस्टर। अब आप सोल सिस्टर की कस देखे, देयर ऑल्सो यू विल हैव अ सोल सिस्टर इन एनलाइटेंड मुस्लिम, जहां पर वो सोल सिस्टर आपका हाथ पकड़े हुए होंगे इंशाल्लाह ताला। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ सोल सिस्टर नाउ, काफी शेयरिंग्स में आ गया था सोल सिस्टर्स। सोल सिस्टर का मैं प्राइस यहाँ पे 11,999 बोलूँ, लेकिन दिस इज नथिंग, दिस हम उसका प्राइस टैग लगा ही नहीं सकते सोल सिस्टर का क्या है।
सो एनलाइटेड मुस्लिमा अलोंग विद एक मुस्लिमा की मोहब्बत अलोंग विद निकाह एंड तलाक अलोंग विद बीइंग इन माय ट्राइब अलोंग विद सोल सिस्टर इट बिकम्स 90,999 विच आई एम नॉट गिविंग यू फॉर 50,000 आई एम नॉट गिविंग यू फॉर आई एम गिविंग यू ओनली फॉर 19,999 ओनली हैप्पी नाउ हैप्पी नाउ एंड यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स एज वेल पहला अब आप दे दीजिए 54,999 दूसरा जो है यू कैन पे बट यू हैव टू पे एवरीथिंग बिफोर 23rd of October ठीक है यू हैव टू पे एवरीथिंग बिफोर 23rd of October एंड आप 5,000 से रजिस्ट्रेशन करवाइए नेक्स्ट 5,000 लाइक यू कैन पे इट बाय फर्स्ट नेक्स्ट 5,000 यू कैन पे इन योर सोल सिस्टर विल बी कनेक्टेड टू यू अंटिल यू पे द होल इंस्टॉलमेंट्स और पूरे कंप्लीट क्यों नहीं कर लेते आप लोग ठीक है सो यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स लेकिन वन हु पेज ओके आज जो रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे उनका उनको ये छोटी ट्रॉफी मिलने वाली है बाय पेइंग जस्ट एन एडवांस एंड वन हु पेज इन फुल विदाउट एन जो है इंस्टॉलमेंट्स विल गिव गेट अ डायरी ऑन विच यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड मैसेज फ्रॉम मी विथ माय सिग्नेचर कोरियर टू योर प्लेस इंशाल्लाह सो दोज हु वांट टू गेट अ डायरी और उसके अलावा पे आज अगर कोई फुल पेमेंट कराए अच्छा वन मोर थिंग ये है कि फुल पेमेंट कराने वालों को विल गेट द एक्सेस टू फाइजर स्ट्राइक दोज हु डोंट डू फुल पेमेंट विल नॉट गेट एन एक्सेस टू माय ट्राइक